Praise the Lord and good morning, guys. Welcome to another amazing episode of Foodie Dudes. तो जैसे कि हमने लास्ट व्लॉग में आपको प्रॉमिस किया था और वो प्रॉमिस मैं पूरा कर रहा हूँ और आज इसी वक्त एक घंटे के बाद फ्रेश होने के बाद मैं ट्रैवल करने के लिए निकलने वाला हूँ. कहाँ जाने वाला हूँ, कौन मेरा ट्रैवल पार्टनर है, ये वीडियो के एंड तक बने रहिए और ये ट्रैवल सीरीज़ को फॉलो कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इस व्लॉग का मज़ा लीजिए. तो ये सारी चीज़ें मैं पैक करके लेके जाने वाला हूँ. ये मिनिमल चीज़ है, सिर्फ एक ही बैकपैक लेके जाने वाला हूँ और सेफर साइड के लिए पीनट बटर मैंने ले लियो कि. तो गाइस मैं रेडी हो चुका हूँ और प्लान के मुताबिक अब घर के बाहर निकलूँगा और ट्रेन ट्रैवल करेंगे, डेस्टिनेशन पे पहुँचेंगे. एंड तक बने रहिए और देखिए कि मेरा पार्टनर कौन है और हम कहाँ जा रहे हैं. मेरा पार्टनर अभी तक आया नहीं है. 12 बजे की ट्रेन है वीटी से और विरार में ही अभी 10 बज गए. पता नहीं कब आएगा और हम लोग पहुँच पाएंगे. पहुंच चुका हूं और विरार में मैं मेरे पार्टनर के लिए रुका था लेकिन वो विरार में भी टाइम पे पहुंच नहीं पाया. अब दादर में पहुंच गया और वो बोला कि दादर स्टेशन पे डायरेक्टली मिलता हूं, तो पता नहीं किधर रह गया अभी. चलो भाई साहब थोड़ा जगह दो. आज का मेरा ट्रैवल पार्टनर है सोनल. तो अभी हमारी ट्रेन के लिए एक घंटा बाकी है तो मैंने और सोनल ने डिसाइड किया है कि हम लोग दादर ईस्ट में उतर के यहाँ की फेमस लस्सी ट्राई करेंगे. ट्रैवलिंग के टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है दोस्तों और ट्रेन को एक घंटा है तो वो सोच के और भूख लगने लग गई. मिस्टेक हो गई, वो इसका नाम है कैलाश लस्सी वाला और वो दादर ईस्ट में है, हम लोग दादर वेस्ट में आ गए. तो मुझे लगता है कि हमें जगह मिल चुकी है कैलाश लस्सी वाला. फाइनली हम लोग को कैलाश लस्सी वाला मिल गया, हम पहुंच रहे हैं वहाँ पे. लस्सी पीने के लिए एक्साइटेड होगी नहीं, अभी गले को ठंडक मिलेगी. फाइनली गाइस हमें हमारा डेस्टिनेशन मिल गया. अभी अब ये फटाफट खा के हमें हमारी ट्रेन पकड़नी है. इस जगह का नाम है कैलाश लस्सी. जैसे कि आप देख सकते हो फुल मलाई लस्सी है. इस गर्मी में ठंडा ठंडा खूब. एक तो हमने हमारा टास्क पूरा कर लिया सक्सेसफुली, मतलब ये अपना टास्क सक्सेसफुली हो गया तो सोनल मुझे लगता है अपना जो ट्रिप है वो भी सक्सेसफुल होगा. सक्सेसफुल लोग ने तो होटल बुकिंग भी नहीं की, जैसे कि नॉर्मल ट्रैवल करते हैं तो होटल बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं, तो सारी चीज़ें रेडी करके रखते हैं और फिर ट्रैवल करते हैं. हम ऐसे निकले हैं मैं और सोनल की सिर्फ हमने ट्रेन की टिकट बुक की है, ना हमने होटल बुक किया है और ना हमने कैब बुक की है. सारी चीज़ें वहाँ पे जाके ढूंढेंगे. हमारी ट्रेन आ गई है, अभी हम ट्रेन बोर्ड करेंगे और ट्रेन में बैठने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं और सोनल कहाँ जा रहे हैं. तो इतनी जोरों की भूख लगी है दोस्तों, अच्छा हो गया थैंक गॉड मम्मी ने हमें टिफिन दिया था तो चिकन ग्रेवी है और चपाती है. तो अभी ट्रेन थोड़ी खाली है तो लोग भरने से पहले फटाफट खाना खा लेते. सोनल कल सोचा था कि ट्रेन में बैठ के आज लंच करोगे. मैंने भी नहीं सोचा था. चिकन और रोटी और इसे एंजॉय करते हैं. ट्रेन में खाने का मजा ही कुछ और है.
हमने अभी खाना खा लिया है, अभी ट्रेन यहाँ से थाने स्टेशन से निकल चुके हैं। और सोनल बताना है कहाँ जा रहे हैं? भूल गए सोनल और मैं भी भूल चुके हम कहाँ जा रहे हैं। तो जैसे कि मैंने और सोनल ने सोचा कि हम थोड़ी देर सोएंगे, तो यहाँ पे मारामारी होने लगी ट्रेन में। तो अभी हमने ट्रेन में समोसा लिया है। अभी आधी जर्नी हमारी कवर कर ली है। खाना खाने के बाद हम थोड़ी देर सोए थे, मैं और सोनल। सोनल अभी अपने मोबाइल में गेम खेल रहा है और हम अभी नांदेड़ पहुंचने वाले हैं। नांदेड़ से और हमारा डेस्टिनेशन दूर है, वक्त लगेगा, शाम तक पहुंचेंगे। तो जैसे ही हम स्टेशन पे पहुंचेंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम कहाँ आए हैं और वो पूरी सिटी आपको मैं एक्सप्लोर करवाऊंगा वहाँ पर। तो हम गए 12:30 से दोपहर के ट्रेन में हैं और इस वक्त शाम के 4:30 हो गए हैं, अभी तक ट्रेन में ही है। ट्रेन लेट है और हम टाइम पास करने के अलग अलग रास्ते देख रहे हैं। तो अभी एक ट्रेन वाला है, तो अभी हम मनमाड़ पहुंचे हैं। अब मनमाड़ से हमारा लास्ट स्टॉप आएगा, फिर हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा जर्नी पसंद आ रहा है। अभी हम हमारी डेस्टिनेशन की तरफ पहुंच रहे हैं। तो इस डेस्टिनेशन में हम 3 दिन रहने वाले हैं, अलग अलग जगह आपको एक्सप्लोर कराएंगे, इस सिटी का सिटी सेंटर दिखाएंगे और हिस्टोरिक जगह भी आपको दिखाने वाले हैं। और प्लस हम आपको आउटस्कर्ट्स में भी लेके जाएंगे, जहाँ पे हम आपको एग्रीकल्चरल लैंड्स दिखाएंगे, जहाँ पे शुगर केन कॉटन उगता है। तो इस ट्रैवल ब्लॉग के सीरीज़ के एंड तक बने रहिए, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। Munani munani yeah 너가 어떤 표정에도 절대 평가하지 않아 거울 안에 너보다 거울밖에 사람 내가 어때 같은 질문하면 항상 나 나온 기버 나도 내게 12:32 7 o'clock evening की ये tiring journey थी, लेकिन worth it है। ट्रेन की जो सीट्स है एकदम कंफर्टेबल है। अभी हम पहुंच चुके हैं स्टेशन और अब हम उतरते हैं स्टेशन पे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र का ऐतिहासिक और भौगोलिक जगह है, जहां पे इतने सारे वंडर्स है, जैसे कि पान चक्की हो गया, बीबी का मकबरा हो गया और बहुत सारी ऐसी जगह है
जिसे हम आने वाले दो दिन में डिस्कवर करने वाले हैं। तो अब हम ये मेन स्टेशन से एग्ज़िट ले रहे हैं और कोशिश करेंगे मैं और सोनल सिटी सेंटर जाने की। सिटी सेंटर जाने के बाद हम कोई होटल ढूंढेंगे और सोनल अभी कोशिश कर रहे हैं बाहर निकलने की। और ये फर्स्ट अट्रैक्शन अब है हमारा होटल बुकिंग का हंट। हम जा रहे हैं होटल की तलाश में और होटल ढूंढेंगे। सोनल भूख भी लग रही है कि नहीं? बहुत लग रही है, भूख भी लग रही है। तो आज बहुत दिनों के बाद बाहर का खाना खाएंगे और होटल में रुकेंगे, रात भर वहीं स्टे करेंगे और सुबह सुबह सिटी सेंटर में बहुत सारी जगह डिस्कवर खुद भी करेंगे और आपको भी करवाएंगे। तो गाइस हम अभी स्टेशन के बाहर आ चुके हैं और सोनल और मैंने हम लोग ने सुबह से चाय नहीं पी है। इधर से थैंक यू। तो फाइनली दोस्तों हमें चाय वाला मिल चुका है और हम चाय वाले के पास जाके चाय पीने वाले। तो गाइस सुबह से चाय की तलब हमें लगी थी, ट्रेन में हम चाय पी नहीं पा रहे थे, तो अभी हम सिटी सेंटर में पहुंच गए और यहाँ पे एक ले चाय सेंटर में हम पहुंच गए और अब चाय का मज़ा लेने वाले हैं। तो कौन सा फ्लेवर है तुम्हारे? तो एक काम कर, एक कड़क चाय बनो। ये कड़क है एकदम एकदम कड़क है। तो ये चाय रेडी हो गई। एक नंबर चाय खूब चांगली है तुमची। तो आप जब भी औरंगाबाद स्टेशन की तरफ आइए तो यहाँ पे जरूर विजिट कीजिए। तुमच्या दुकानाचं नाव आणि पत्ता सांगा। तो औरंगाबाद रेलवे स्टेशन के सामने ही है एवले अमृतालय। तो अभी एकदम रिफ्रेशिंग चाय पीने के बाद हम जा रहे हैं बुड्डी लेन पे, है कि वहाँ पे एकदम ज़बरदस्त नॉनवेज डिश मिलता है, तो जाके वहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं। तो अब हम गाइस रिक्शा में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं बुड्डी लाइन और ये हमारी गाइड है। पैसा फाएगी शाबाज भाई, एक बार सिर्फ देख के हाय कर दो। शाबाज भाई हाय कर दीजिए पीछे सिर्फ देख के। तो शाबाज भाई हमें लेके जा रहे हैं बुड्डी लाइन पे, टेस्टी खाना उनके हिसाब से वहाँ पे लाजवाब नॉनवेज डिशेस मिलती है। तो मैं और सोनल एक्साइटेड है, बहुत एक्साइटेड है हम क्योंकि भूख लगी है हमें। हम लोग ने 12 बजे दोपहर को खाना खाया था, उसके बाद कुछ खाया नहीं। तो अब जा रहे और खाने का लुत्फ उठा रहे। हमें अभी पता चला है हमारे भाई से कि औरंगाबाद में बस का स्ट्राइक है। तो हमने जैसा प्लान किया था कि अजंता और एलोरा केव्स जाना था हमें, तो थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन भाई बोल रहे कि उधर लग्जरी बसेस है, तो वो कल परसों हम सर्च करेंगे और देखेंगे, क्योंकि नॉर्मल एसटी बसेस तो अभी कई महीनों से नहीं चल रही है। देखते हैं कैसा क्या होता है। शहर में 52 गेट है यहाँ, ये उनमें से एक था। हाँ ये भड़कल गेट है। अच्छा हाँ, सब ऐसे हर गेट का नाम, सब गेट गेट के नाम है, भड़कल गेट, बारापुरा गेट, गटगट गेट, खास गेट, दिल्ली गेट, ऐसे बहुत सारे नाम हैं 52 गेटों के नाम। 52 मतलब 52। तो औरंगाबाद में टोटल 52 गेट्स है, उसमें से ये एक गेट था भड़कल गेट, बाकी के 51 है। पता नहीं हम आपको पूरे 51 के 51 दिखा पाएंगे कि नहीं इतने कम दिनों में, लेकिन प्रॉमिस है जितना कवर कर सकते हैं उतने गेट्स और उतने डेस्टिनेशन, उतने सारे अट्रैक्शन सबको दिखाने की कोशिश करेंगे।
और अगर कुछ बच गया तो वापस से आएंगे और उसे भी कवर करेंगे। तो गाइज हम पहुंच चुके हैं बुड्ढी लाइन पे, मैं और सोनल। अब खाने की तलाश में हम आगे कूच करते हुए और देखते हैं कि कहाँ पे हमें मिलने वाला है सेटिस्फाइंग फूड। वी आर इन फूड हेवन, जहाँ देखो वहाँ खाना ही खाना है। लाजवाब सीख पराठा, बटर चिकन, बटर सारे चिकन के अलग अलग डिशेस, पराठा पाव। ओहो सोनल, मुझे लगता है पेट भटने वाला है, पर हमारी डाइटिंग भी आज जाने वाली है तेल लगाने को। हमारे होटल के हंट में भी जा रहे हैं, तो हमने होटल की बुकिंग जैसे हमने की नहीं थी, तो अभी जाके हम पूछताछ करते हैं कि होटल का रेट्स कितना है। वो होटल हमें जमा नहीं, वो होटल था चद्दर पलटी वाला, इतना गंदा। तो सोनल और मैंने डिसाइड किया है कि पहले हम लोग फूड हंट कर लेते हैं, अच्छा पहला खाना खाते हैं क्योंकि सुबह से हम लोग को भूख लग रही है, और उसके बाद हम होटल की तलाश करेंगे। आना बेटा, आओ मेरे भतीजे को मेरे वीडियो में आना था। कैसा है भतीजे? बहुत बढ़िया। चल वो सबसे अच्छा खाना खाना है तो बड़कल गेट, ग्रेट सागर। सागर वालों की है, मगर इससे भारी टेस्ट वहाँ मिलेगा। अच्छा, बड़कल गेट के, बड़कल गेट इधर ही सबसे बेहतरीन खाना। तो हम फिर से जाएंगे बड़कल गेट के। इधर बुड्ढी लाइन में हम आ गए तवाकल कबाब सेंटर में, और यहाँ पे लाजवाब कबाब बन रहा है, और ये कबाब के साथ है पाव और चटनी। तो हम फहीम भाई के यहाँ पे आए, फहीम भाई लाजवाब कबाब बनाते हैं। फहीम भाई कौन सा कबाब बनाते हो आप? चिकन कबाब बनता है, मटन कबाब बनता है। एक नंबर, ये दिखने में तो एकदम यमिलिशियस लग रहा है, और इसके साथ ये छोटे छोटे पाव है जैसे देख सकते हो, और ये चटनी पुदीना और नींबू। तो ये रहा हमारा कबाब। सोनल अभी सीख और पाव का मजा लेते हुए, सोनल कैसे लगा? बहुत टेस्टी है भाई, कौन सा पाव मत। कितने साल से यहाँ पे दुकान है आपकी? तकरीबन 2003 से। 2003 से यही अपना टिक्का बना दो? सिर्फ लॉकडाउन में बंद था 2 साल, बाकी कंटिन्यू चालू। लेकिन एकदम लाजवाब है, आपको यहाँ पे आना होगा। तो ये है तवाकल कबाब सेंटर बुड्ढी लाइन में औरंगाबाद। पार्टी ऑर्डर भी लेते हैं भाई साहब, तो आप इन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो हमने अभी लाजवाब स्टार्टर्स तो खा लिया, लेकिन अभी मेन कोर्स की बारी है, तो मैं और सोनल फिलहाल के लिए हंट कर रहे हो कि कहाँ पे अभी मेन कोर्स खाया जाए। फिर उसके बाद हमें और एक टास्क बाकी है होटल हंट का। तो हम इजीली घर से निकलते हुए बुक कर सकते थे, लेकिन हमें इसे थोड़ा एक्साइटिंग और एडवेंचरस बनाना था, इसके लिए हमने डिसाइड किया कि बुक नहीं करेंगे, हम जाके ढूंढेंगे। डिसाइड कर लिया है, और मेन कोर्स के लिए मैं और सोनल होटल औरंगाबाद में आ गए हैं। ये भी लोकेटेड है, जगह का नाम ही भूल जाता हूँ, क्या है, ये भी लोकेटेड है बुड्ढी लेन में, तो आप यहाँ पे भी आके खा सकते हो। हमने खाना तो शुरू नहीं किया, लेकिन हमने तंगड़ी पेशावरी मंगाया है, और लजीज औरंगाबादी चिकन मंगाया है, और दाल गोश मंगाया है जो यहाँ का आज स्पेशल है और एकदम अलग तरीके से बनाया जाता है। तो ये तीन चीज़ें हमने मंगाई है, और रोटी मंगाई है, और खाने में मज़ा आने वाला है। क्या बोलते हो सोनल? क्या बोल रहे?
सोनल फिलहाल के लिए अभी कैमरा शाय है, एक दो दिन में रोज व्लॉगिंग करते करते उसे भी आदत हो जाएगी, वो भी फराटेदार जवाब दे पाएगा जो ऑफ कैमरा बोलता है वो। तो मैं और सोनल अभी वेट कर रहे हैं खाने का, हमारा खाना आएगा और हम एंजॉय करेंगे खाने को। ये तंदूर रोटी, लच्छा पराठा, पेशावरी। ये आ गया हमारा चिकन स्पेशल औरंगाबादी, और ये तंगड़ी, क्या है इसका नाम, तंगड़ी स्पेशल, क्या चिकन तंगड़ी, चिकन तंगड़ी पेशावरी, चिकन तंगड़ी पेशावरी है। और इसे थोड़ा फ्लश करने के लिए आज बहुत क्रिसमस के बाद 2 महीने के बाद ये कोल्ड ड्रिंक, तो शुरू करते हैं। हमारा दालचा खाना आ गया है, हाँ, और ये हमारा राइस आ गया है। तो ये जो मटन होता है उसको दाल में पकाया जाता है और ये दालचा बनता है इस तरीके से। अब ट्राई करते हैं चिकन तंगड़ी पेशावरी। तो ये बड़ा चंक है चिकन लेग का, पेशावरी ग्रेवी में बना है। सोनू को सर्व करते हैं पहले। जीरा राइस मंगाया है और उसके साथ ये चिकन ग्रेवी, मटन ग्रेवी मिक्स करके खा रहे हैं। ये जो दालचा है, मुझे लगता नहीं इसे मेरे पेट में अभी जगह है इसके बाद, ये राइस ख़त्म करने के बाद, लेकिन सोनल बोल रहा है हम होंगे कामयाब। तो दोस्तों अभी हम लोग का डिनर ख़त्म हो गया है और हम लोग अभी जा रहे हैं होटल के हट पे। तो हमारा प्यारा सा छोटा दोस्त फिर से हमें मिल गया है, हमें बाय करने को आया है। तो मैं बोला यार हमारे व्यूअर्स को भी बाय कर देना। बाय एवरीवन। अपना नाम तो बता सबको। रेहान है। तो आप जब भी औरंगाबाद में आए और यहाँ पे खाना खाने आए तो रेहान आपको हमेशा यहाँ पे मिलेगा। तो रेहान को हेल्प करने की कोशिश कीजिए। रेहान के पिताजी का इंतकाल हो गया है और हमारे से जितनी हेल्प हो सकती थी हमने की है, लेकिन रेहान को हम लोग कल मिलेंगे पक्का। ओके रेहान, चल सी यू, गुड नाइट। तो अभी हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम हमारे होटल के अंदर आ चुके हैं। तो अभी चेक इन करते हैं, फिर मैं आपको बताऊँ क्या रेट में। आपको बहुत कम रेट मिला है। अच्छा। और ये है हमारा 2 बेड और ये है हमारा वॉकिंग एरिया, ये वॉशरूम, ये हमारा छोटा सा टेलीविजन और ये रहा टीवी। वो पानी भेज देना। तो आज जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में दोस्तों प्रॉमिस किया था, मैंने फूडी रूट्स परिवार ने अपना प्रॉमिस निभाया है। आप भी आपका प्रॉमिस निभाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। औरंगाबाद की ट्रिप है, ये तो बस शुरुआत है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए, देखिए हम किस चीज़ की सवारी करते हैं, कौन से जगह पे जाते हैं, क्या क्या चीज़ खाते हैं। और तब तक के लिए इशा बॉय लियो साइनिंग ऑफ गाइस।